आप लोगों को याद है एक कैलिफोर्निया की न्यूज बताई थी हमने, वहां पर जो HAF है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन नाम जरूर याद रखना, ये हिंदू फाउंडेशन है जो, इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि गुरुद्वारों के अंदर ड्रग सप्लाई होता है, हथियार सप्लाई होते हैं, FBI को ऑडियो वीडियो सब कुछ अवेलेबल कराया था इन्होंने, और अखबारों की कटिंग भी दी थी इन लोगों ने, अखबारों की कटिंग भी दी थी। अब वो है FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की पहले तो भाई ऐसा कैसे हो रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये तो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन थी, ये FBI को ट्रेनिंग देने लग गए थे कि हम बताएंगे कैसे ट्रेंड हो रहा है, कैसे इन सिखों को दबाना है, कैसे वो करना है। तो FBI ने अपने तरीके से जांच की तो और ही कुछ निकल के आया वहां तो, कैलिफोर्निया एक स्टेट है अमेरिका की, एक स्टेट है, लेकिन पूरा अमेरिका ही लिखा भाई ये हुआ तो हुआ कैसे, सिखों ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया, करो भाई जांच, जांच होगी तो सब कुछ सामने आएगा। ऐसा कुछ सामने आया कि अमेरिका में ना अब इनका जुलूस निकाला जाएगा, 300 किलोमीटर तक पैदल जुलूस निकाला जाएगा अब इनका, जो ये हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन वाले हैं। सबसे कमाल की बात, अब ये ट्वीट डालने लगे, हमने तो जी ये नहीं किया, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ट्वीट डाल रही है, जो ये पता नहीं क्या क्या हैशटैग कर रही है, हैशटैग स्टेटमेंट इन रिस्पॉन्स टू द रिसेंट, हैशटैग सबसे न्यूज प्लीज टारगेटिंग HAF विशेष टू clarify that it respected the Sikh religion immensely and Gurdwara are respected and cherished place of worship for all Sikh and many Hindus। अब अपने वो आ जाते हैं ना चिंटू भाई आ जाते हैं, चिंटू भाइयों को ये नहीं पता लगेगा इन्होंने माफी कैसे मांगी। अब सुनो इन्होंने माफी कैसे मांगी है, पहले तो इनका सुनो, ये कोई इनका ट्विटर पर अकाउंट है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के नाम से, HAF के नाम से हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, और नीचे लिखा है इनका हिंदू अमेरिकन, हिंदू अमेरिकी, अमेरिकी हिंदू। अब इनका ट्वीट सुनो भाई, इन्होंने बोला हाल ही में जो TV न्यूज द्वारा HAF पर निशाना साधने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप बयान, HAF हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन यह स्पष्ट करना चाहता है कि वह सिख धर्म का अत्यधिक सम्मान करता है तथा गुरुद्वारे सभी सिखों और अनेक हिंदुओं के लिए पूजनीय एवं प्रिय स्थान है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन केवल मीडिया में विशेष रूप से रिपोर्ट की गई जांच का उल्लेख कर रहा था, जांच का उल्लेख कर रहा था। वो वीडियो क्यों बनवाए फिर, वो वीडियो बनवाया भुगतोगे तुम, बुरा भुगतोगे, और ये भी बताएंगे आपको कहां से कहां तक इनका जुलूस निकलेगा और क्या क्या होने वाला है इनका अगले 20-30 महीने के साथ, क्या क्या होने वाला है। जो जो रूबिन के साथ एक छोटी टेलीफोनिक बातचीत में फ्रेममोंट गुरुद्वारा या किसी अन्य विशिष्ट गुरुद्वारा पर कोई आरोप नहीं लगाया, जिसके कारण गलत उद्धरण दिया गया, हम गलत उद्धरण और इससे हुई ठेस के लिए खेद व्यक्त करते हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कभी भी सिख अमेरिकियों की प्रोफाइल बनाने के लिए नहीं कहा, क्या क्यों था, कहा था इनकी प्रोफाइल बना भी, ड्रग सप्लाई करते, हथियार सप्लाई करते, बोला था वो तो वीडियो है, ऑडियो है, फोटो है तुम्हारे, पूरी सीटियां हैं, अब पता लगेगा। इसके विपरीत हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने खालिस्तानी उग्रवाद पर चर्चा करते हुए समय हर संभव अवसर पर स्पष्ट रूप से कहा कि सिख अमेरिकियों का विशाल बहुमत शांतिपूर्ण कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और खालिस्तानी फ्रिंज समूह के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। ये बोल रहे हमने कुछ खालिस्तानियों का जिक्र किया था कुछ, अब कुछ पे आए हैं, अब तुम्हारा बताऊं जुलूस कहां से कहां तक निकलेगा। अमेरिका का रहने वाला कोई भी साथी बता देना ये जगह अमेरिका के अंदर है या नहीं है, पहले तुम जगहों के नाम सुन लेना इनका जहां से जहां तक जुलूस निकलेगा। और सबसे कमाल की बात यह है इनका जुलूस पूरे तरीके से निकाला जाएगा और वहां पर ज्यादातर संख्या सिखों की है जहां से इनका जुलूस निकाला जाएगा कि ये देखो ये वह HAF वाले जो सिखों को बदनाम कर रहे थे, गुरुद्वारे साहिबों को बदनाम कर रहे थे, वो निकलेगा कोई वेकसफील्ड जगह होगी भाई अमेरिका के अंदर, बता देना वेकसफील्ड से सैक्रामेंटो तक इनका पैदल मार्च कराया जाए, तकरीबन 300 किलोमीटर के करीब पड़ती है ये, यहां से वेकसफील्ड से सैक्रामेंटो पैदल मार्च करवाया जाएगा इनका, पैदल मार्च पूरे अमेरिका के अंदर अगले 20 दिनों के अंदर अंदर ये होगा, और ये दिखाया जाएगा ये वो लोग हैं जो सिखों को बदनाम कर रहे थे यहां अमेरिका के अंदर, कर ली, ले लिया पंगा, ले लिया सवाद। इतने आराम से आप लोगों को समझाते हैं, आप अपनी जमीनें बेच के कर्जे पे लेकर पैसे विदेश में जाते हो, वहां जाके कोई ऐसा चिंटूपना मत किया करो जिसके कारण तुम्हारे को इतनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाए। अब ये माफियां मांग रहे हैं, माफीवीर तो पहले ही बताया था, मेरे पिछला वीडियो उठा कर देख लो, मगर ये माफीवीर बनेंगे
लेकिन इतनी जल्दी बन जाएंगे ये नहीं पता था हमारे को। इतनी जल्दी माफी भी, वो वीडियो डाले भी हमारे को तो 2 दिन हुए हैं, 2 दिन पहले ही तो वीडियो डाला था जो तुमने कैलिफोर्निया में ड्रामा किया था, जो अमेरिका की स्टेट है कैलिफोर्निया, वहां पे तुमने जो ड्रामा किया था 2 दिन के अंदर अंदर ही तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। अब खड़े खड़े बस निकल गया, सब कुछ निकल गया, हो गया काम, आ गया स्वाद, आया मजा। अले ले ले चिंटू, पापा को बोलो तुम्हारे को बचा लेगा अब, पापा को बताओ ना तुम्हारे को बचा लेगा अब। उधर से वो धमकी दे रहा है वो गुरुदेव, जिसको कि हेलो ट्रंप चलाया था मेरे ख्याल में, हेलो ट्रंप था ना, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, वो नमस्ते ट्रंप वाला और ही कुछ बोल रहा है। नमस्ते ट्रंप वाला तो और 4 कदम आगे निकल गया तुम्हारे से, और ट्रंप का सुन लो ट्रंप क्या बोल रहा है। ट्रंप तो भाई तुम्हारे से तो 4 क्या 8 कदम आगे निकल गया, ना तो तुम्हारे को अब कोई पापा बचा पाएगा ना ही तुम खुद बच पाओगे, तुम्हारी होगी अब टैटे पैपे। तुम कितनी माफिया मांग लो, अब कोई माफी नहीं। उन्होंने जब सैक्रामेंटो से वहां तक फील्ड से सैक्रामेंटो तक तुम्हारा रख दिया ना पैदल मार्च, तो रख दिया वो पैदल मार्च होगा तुम्हारा बताया जाएगा। मैं सजाए मौत की मांग कर रहा हूं अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने वाले प्रवासियों पर, बोले डोनाल्ड ट्रंप। और वो किसकी हुई थी सबको पता है, निजर भाई की हुई थी। वो निजर के ऊपर FBI ने पहले भी रिपोर्ट दी थी कि निजर की जान को खतरा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वे वेनेजुएला के ग्रो ट्रेंडी अरागू के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन आरोरा शुरू करेंगे। अमेरिका शुक्रवार को कोलोराडो के आरोरा में एक रैली के दौरान प्रवासियों को खतरनाक अपराधी बताया। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने वाले प्रवासियों के लिए सजाए मौत की मांग की है, सजाए मौत, जबकि आवर्तन विरोधी बयानबाजी को और तेज कर दिया जिसने उनके राष्ट्रपति पद के अभियान को बढ़ावा दिया है। वेनेजुएला के ग्रो ट्रेंडी अरागुआ, अब ये देख लेना इसमें कौन है, के कथित सदस्यों के पोस्टरों से घिरे ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वे चुने जाते हैं तो वे गिरोह के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए एक राष्ट्रीय ऑपरेशन आरोरा शुरू करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 5 नवंबर को चुनाव अभियान के आखिरी हफ्ते में अपनी एंटी इमिग्रेशन बयानबाजी को साफ तौर से कड़ा कर दिया, और जहां उनका टारगेट डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराना है, अवैध आवर्जन मतदाताओं की एक प्रमुख चिंता है और ज्यादातर वोटर्स ट्रंप को इसे संबोधित करने के सक्षम व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जनमत सर्वेक्षण में पता लगा है। अब क्या है, अमेरिका के अंदर सिखों की संख्या है ज्यादा है, सबको पता है। अब अमेरिका की उसके अंदर संसद के अंदर भी सिख बैठते हैं, आपको भी पता है। तुमने बिना बात के पंगा लेना, तुमने पहले कनाडा में ले लिया, फिर तुमने अमेरिका में ले लिया, और किसके लिए हुई है सजाए मौत वो तुम खुद देख लो। चलाओ नमस्ते ट्रंप चलाओ, नहीं बचवा दो पापा चिल्लाओ ना एक बार, ऐसे मीम बनने चाहिए अभी इनके, एक बार बचा लो पापा, आइंदा गलती नहीं करेंगे सिखों से पंगा लेने की। बोला था ना एक चलता फिरता पावर हाउस है सिखी, मत छेड़ना मत छूना इसको तुम्हारे को, लेकिन समझाते तुम फिर जाके वहीं पंगा ले लेते हो, वहीं पंगा ले, क्योंकि विषगुरु है तुम्हारे पास। अब विषगुरु तुम्हारे को अगर बचा सकता हो तो बचा लेगा भाई, या बचा लेगा क्या विषगुरु अब इनको? ये जो HAF है, जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, ये हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जो अब माफी मांग रही है, क्या होगा अब इनका वो सोच के देखो आप, वो सोचो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।